तो बहुत ही मुश्किल से ये बच पाए थे और बिना माँ बाप के इन बच्चों को हैंड फीड कराकर हमने पाला था दोस्तों। तो थोड़ा सा लेट हो गया आज इनको खाना देने में क्योंकि मुझे ताला नहीं चाबी नहीं मिल पाई जी। बाकी इस मोटू ने जी बड़ी गड़बड़ की कल हमारे बोने डॉन के साथ, ये भी लड़ता है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो वो देखो जी कौन बैठा है। तो आज सुबह सुबह कबूतर का जोड़ा है जी घर के अंदर आ गया है जी और यहाँ पर बैठे हुए हैं और बड़ी देर से आवाजें कर रहे हैं। तो जी ये यहाँ पर आके बैठना शुरू हो गए हैं। बाकी देखते हैं जी, ये देखो क्योंकि जगह इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना नेस्टिंग के लिए ना वैसे भी, क्योंकि यहाँ ये कंफर्टेबल अपना ना घोंसला बना सकते हैं। पर चलो देखते हैं दोस्तों। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आ चुका हूँ जी छत पर और आज आप देखेंगे मौसम अच्छा है, धूप क्लियर निकली हुई है, ये देख सकते हैं जी चारों तरफ। और दोस्तों एक प्रॉब्लम होगी कि जो हम ताला लगाते हैं बर्ड्स के सेटअप में, चाबी पता नहीं मेरे से कहीं गिर गई या क्या हुआ और सारे में ढूंढ ली चाबी नहीं मिली है। लो जी सारे के सारे हमारे बर्ड्स आप देख सकते हैं जी, ये देखो जी। तो टाइम हो चुका है खाना देने का, तो ताला हमारे को तोड़ना पड़ा जी, टूट गया है। तो टूट चुका है जी ताला, आइए चलते हैं जी अंदर। लो जी दोस्तों, पता नहीं फर्स्ट टाइम हुआ, चाबी पता नहीं कहाँ गलती से रह गई, क्या हुआ। तो हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी जिंदगियों में मस्त होंगे। आज दोस्तों मेरा भी कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बाकी मोरनी का क्या स्टेटस है मैं देखना चाहता हूँ और आप लोगों को भी शेयर करना चाहता हूँ हमारी मोरनी। मोरनी अंदर देखो जी इस तरह बैठी हुई है। हाँ बेटा मोरनी, ये देखो जी। तो मोरनी की कंडीशन ये है जी, इस तरह से हो चुकी है, अंडा आज कोई नहीं दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि हमारी मोरनी जो है प्रॉपरली कुड़क होने वाली है या हो चुकी है। तो पापा जी से भी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि एक आध दिन में देखकर इनको कोई जगह या कोई टोकरी या कुछ बकेट वगैरह में जहाँ पे अपना तूड़ी वगैरह डाल के या फिर बारीक जो सूखी हुई घास डाल के हम जो है अपनी मोरनी को अंडों पे कुड़क बिठा देंगे। तो वो भी देखते हैं दोस्तों, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जी। तो फिलहाल इनको खाना देते हैं, आजा मोरनी। तो ये उठ नहीं रही है, तो फिलहाल जी पहले इनको रोटी दे देते हैं। चावल रोटी वगैरह लेकर आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, मिक्स है जी इसमें है, रोटियाँ हैं इसके नीचे, कुछ ब्रेड पड़ी थी वो गीली करके इनको दे रहा हूँ, कुछ चावल है मिक्स और उसमें सब्जी मिला दिया जी। तो हाँ जी लो जी मोरनी भी आ गई जी एकदम उड़ के। तो खाने का टाइम हो चुका है तो मैं इसको देता हूँ। आ जा बेटा ले, आ जा मोरनी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, अले आ जा। लो जी ले, आ जा आ जा आ जा, ले बच्चा। लो जी मोरनी हमारी साथ साथ चल रही है, देखो ये देखो जी। लो जी इसको दे दिया है जी, कुछ यहाँ पे ब्रेड भी मिक्स है इसमें दे रहा हूँ जी, ब्रेड भी मिक्स है, रोटियाँ हैं जी इसमें। तो थोड़ा सा लेट हो गया आज इनको खाना देने में क्योंकि मुझे ताला नहीं चाबी नहीं मिल पाई जी, काफ़ी ढूंढा पर नहीं मिल पाई। तो इनको दे दिया है खाने को, तो ये आराम से खाती रहेगी और अभी भी बाहर आ रही है मोरनी। तो अब देखते हैं जी जब ये प्रॉपर कुड़क हो जाएगी। पापा भी जब बता रहे थे कॉल पर बात हो रही थी कि जब ये बिल्कुल भी नहीं उठेगी तो यानी कि हमारी मोरनी तब जाकर पूरी तरह से कुड़क हो जाएगी। तो ये है जी, बाकी राजा को भी खोल देता हूँ। आ भी शेरे, आ जा तू भी, चल आ जा राजा, आ जा राजा। लो जी राजा साहब बाहर आ चुके हैं, सीधा बाहर जाएगा। तो मैं दरवाजे को खोल देता हूँ जी, ये लो चल भाई। तो राजा हमारा ये सोच विचार कर रहा है, बाहर से आवाजें आ रही हैं, पहले सुनता है ध्यान से फिर जाके ये रिएक्ट करता है। तो छोटी साना को जी खाना दे देते हैं। तो पानी का बर्तन मैंने राजा के पास रख दिया था जी, इसके लिए मैं प्रॉपर शाम के वक्त जो है पानी वगैरह सब अंदर रख देता हूँ दोस्तों। तो पानी बिल्कुल साफ है, राजा पानी जो है खरगोश बहुत कम ही पीते हैं ये देख सकते हैं जी आप। तो इनके इस बर्तन में खाने को मैं चावल दे देता हूँ जी, कल इनके बर्तन वगैरह भी अच्छे से साफ कर दिए थे दोस्तों। लो जी चावल इसमें रख दिए हैं और वो देखो जी छोटी साना हमारी किस तरह से आने के लिए बाहर इंतजार में है। लो जी आ जाओ भाई, चलो। लो जी जनता सीधी भाग के गई और लो जी खाने पर टूट पड़े हैं जी। चावल वैसे भी बड़े शौक से खाते हैं, आलू भी बीच में ये देख सकते हैं, आलू को भी बड़े शौक से खाती है हमारी छोटी सेना जो है, क्योंकि दोस्तों इनको घर में ही पाले जब छोटे छोटे से लाए थे। अगर आप हमारे पुराने ब्लॉग्स देखेंगे तो ये बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे जी, जब मैं लाया था करीब ये दो दो हफ्ते के बच्चे थे और अब आप देखें जी कितने बड़े हो चुके हैं। तो ये है हमारे प्यारी सी पेट्स फैमिली। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो लाए थे खरगोश लाए थे हमारे राजा रानी को, उसके बाद लाए थे जी इनको और उसके बाद बाकी सारे। और जी फिलहाल हमारे बैंटम पेयर ने कोई अंडा नहीं दिया है, दो तीन दिन हो चुके हैं जी
ना तो मुर्गी कुड़की हुई है और ना अभी तक किसने अंडे दोबारा दिए, तो देखते हैं जी क्या होता है। बाकी ये रही जी हमारी ब्लैक ब्यूटी और बोनाडॉन बहुत ज्यादा तेज है दोस्तों। कल क्या हुआ था, कल जो है जी इसने मुर्गों से ये लड़ा, मैंने बाहर छोड़ दिया था, मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, फोन नहीं लाया था। ये जो है इन दोनों के साथ बहुत ही फुर्ती से लड़ा और उछल उछल के इनके ऊपर से जंप मार के उस तरफ चला गया। मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव और तेज है जी ये, जल्दी से अपने को चोट नहीं पहुंचने देता हमारा जो बोनाडॉन है। और इनको भी थोड़े से रोटी और चावल जो है मिक्स करके दे देते हैं, खा लेंगे ये। लो जी, तो इसमें इनको दे दिया, चलो 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 अपना खाओ चलो। तो ये दे दिया जी, गिल्ली कर रखी है ब्रेड भी, तो अपने आप ये तोड़ तोड़ के खा लेंगे। शाम के वक्त पानी भी इनके पास रख दिया था और ये लो जी पानी और खाना हर टाइम मैं इनके पास ही रखता हूँ। ये देखो तो मज़े से खा रही है, बाहर आने के लिए खुश रहते हैं ज़्यादातर। तो अभी भी नहीं खोलूँगा मैं क्योंकि अभी हमारी छोटी सेना यहाँ पे घूम रही है और आपस में ये लड़ेंगे दोस्तों। तो आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, एनर्जी भी इतनी नहीं लग रही, कुछ फील कर रहा हूँ ऐसा। तो अभी दवाई लेने जाऊँगा थोड़ी देर में, पर मैंने सोचा क्यों ना इससे पहले व्लॉग कर लिया जाए और आप लोगों को अपने बर्ड्स को दिखा दूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ। तो बाकी कबूतरों को देते हैं जी दाना। लो जी, तो इनको भी देखो जी अपने कबूतरों को हमारे, ये भी यहाँ पे खाना खाने के इसमें देखो, पता नहीं मारता क्यों है ये वाला बच्चा। तो इनको दाना दे दिया है, ये देखो जी, तो ये मेरे को ही मारना शुरू कर देते हैं। और ये देखो जी, तो बढ़िया अपना दाना खा रहे हैं। और साइज में देखेंगे आप दोनों हमारे कबूतर के बच्चे अब बड़े बड़े से लगने लगे हैं, नहीं तो बहुत छोटे से लगते थे ये, पर अब जो है साइज अच्छा हो गया, खासकर इस सफेद वाले बच्चे का, क्योंकि इसके पैर में भी प्रॉब्लम थी और इसकी बीक जो है चोंच भी टेढ़ी हो गई थी और खाना भी नहीं खा पाता था। तो बड़ी मुश्किल से जी देख देख के इधर उधर से कुछ कुछ इस पे नुस्खे किए, कुछ कुछ करके जो है इस बच्चे को हमने बचाया था। तो बहुत ही मुश्किल से ये बच पाए थे और बिना माँ बाप के इन बच्चों को हैंड फीड कराकर हमने पाला था दोस्तों। लो जी, तो इनको दे दिया है दाना। और जी सेंटिनेंट्स हमारे क्या कर रहे हैं, लो जी इनके भी अब यहाँ पे सफाई करने को हो चुकी है, तो अब जल्दी ही मैं सफाई भी कर दूंगा इनके इसमें केज की सफाई कर देंगे जी। बाकी बिठो बिठ कर रखी है चारों तरफ, देखेंगे आप सारे में बीट की हुई है और दाना यहाँ पे इनके ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये देखो जी, तो बाहर निकलने के लिए बड़े खुश रहते हैं और कैमरे को देखो, फोन को देख कर ये चुपचाप से जैसे मूर्ति होती है ऐसे बैठ जाते हैं। ये देखो, कुछ देर में चेंज कर दूंगा, जब गर्मी हो जाएगी तो पानी वगैरह इनका हम चेंज कर देंगे। बाकी इस मोटू ने जी बड़ी गड़बड़ की कल हमारे बोनाडॉन के साथ, ये भी लड़ता है। बाकी हमारे व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं आप जरूर कमेंट करके बताना, और जैसे ही हम मोरनी को बिठाएंगे कुड़ुक पे तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो पापा जी से बातचीत हो रही थी, जैसा जैसा होगा उन्होंने मुझे गाइड किया है, तो हम जो है अपनी मोरनी को बिठा देंगे। चलो भाई, दाना भी इसमें डालना पड़ेगा नीचे से लाकर और मिक्स किया हुआ है मैंने। तो सुबह सुबह यहाँ चील घूम रही थी और जो है जी और मोरनी वहाँ से देखो जी बाहर से अंदर आने के लिए कह रही है शायद, आ जा। लो जी, तो आजकल बाहर बहुत कम ही जाती है, कुछ देर के लिए जाती है खाना वगैरह खाकर मोरनी जो है फटाफट अंदर आती है। कल भी इसने ऐसा किया और डे बाय डे जो है बाहर निकलना कम कर रही है ये, थोड़ी देर घूमती फिरती है और उसके बाद वापस अपने केज में जाके पेटी में बैठ जाती है। और मुर्गा भी जैसे इसके नज़दीक आ रहा है तो पंख को खड़ा करके काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा सा कर रही है। लो जी चावल खा रही है, वैसे चावल कम ही खाती है ये, पर आज जो चावल भी पसंद आ रहे हैं इसको, तो चावल मज़े से खा रही है। बाहर रोटियां रख दी थी, शायद इसने पूरी खा ली हो, तो ये देख सकते हैं जी। तो ये है जी हमारे प्यारे से परिंदे पेट्स, और इनके साथ जो हमारी मॉर्निंग है जी वो गुड हो जाती है। बाकी आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों, और हमारा आपका पसंदीदा परिंदा कौन सा है हमारे पूरे सेटअप में, तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करना जी। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपका शॉप भी अच्छा चल रहा होगा। तो मिलते हैं जी एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।